स्वामी परिवार की ओर से शारदीय नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर पर घट स्थापना कर माता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भक्तों ने माँ भगवती का आह्वान कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर पर स्वामी ग्रुप के CMD कमल प्रकाश कृष्णानी और उनकी पत्नी डायरेक्टर प्रियंका कृष्णानी द्वारा घट स्थापना की गई। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी द्वारका प्रसाद द्वारा विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ मां और पंचदेवों की पूजा अर्चना करवाई गई, जिसके पश्चात स्वामी कॉम्प्लेक्स में उपस्थित दुकानदारों द्वारा सामूहिक रूप से उपस्थित होकर महाआरती की गई। आरती के पश्चात सभी भक्तों ने माता के जयकारे लगाते हुए प्रसाद ग्रहण कर माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया। बस्ती स्थित कृष्ण भवन में आज अग्रवाल समाज की ओर से भगवान अग्रसेन जयंती मनाई गई, जिसके चलते कस्बे में भगवान अग्रसेन की शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में समाज के लोगों ने भाग लेकर भगवान अग्रसेन को नगर भ्रमण करवाया। पुष्कर की छोटी बस्ती स्थित कृष्ण भवन में अग्रवाल समाज की ओर से अग्रसेन जयंती मनाई गई, जिसके चलते कस्बे में भगवान अग्रसेन की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा पुष्कर के मुख्य मार्गों से होती हुई होटल नवरत्न पैलेस पर संपन्न हुई। इस दौरान समाज के लोगों ने यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा और पूजा अर्चना कर स्वागत किया। स्थापना अग्रसेन जयंती महोत्सव यह हर साल मनाते आ रहे हैं और अग्रवाल समाज क्या है, यह अपने कुछ की 34वीं पीढ़ी में हमारे अग्रसेन जी महाराज हुए थे, ठीक है ना। उसी के हम वंशज हैं और सूर्यवंशी हैं और ये हर साल यहाँ से कृष्ण भवन से सवारी निकालते हैं और वहाँ नगर में भ्रमण करते हुए और सभी समाज के द्वारा पूजा अर्चना होती है, प्रसाद सामग्री वगैरह सब होता है, आरती वगैरह होती है, आरती वगैरह होती है, ऐसा करके नगर भ्रमण करते हुए फिर वहाँ नवरत्न पहले वहाँ जाके विसर्जन होती है और उसके बाद में भोजन प्रसाद होती है। भगवान अग्रसेन जी की सवारी का प्रोग्राम है, कृष्ण भवन से रवाना होगी, हर साल की भांति नगर में भ्रमण करेगी, ब्रह्मा मंदिर से होके और नवरत्न प्लेस में समापन होगा। बाजार में सब जगह भगवान की आरती पूजा का है प्रोग्राम और उसके बाद नवरत्न प्लेस में विश्राम। श्री दुर्गा महाकाली मंदिर रामगंज में नवरात्रि के प्रथम दिन पुष्कर से कावड़ यात्रा लाई गई, जिसके बाद हवन कर मंदिर में घट स्थापना की गई। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री दुर्गा महाकाली मंदिर तपोभूमि रामगंज में 64वें नवरात्रि महोत्सव को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज नवरात्रि के प्रथम दिन काली माता मंदिर में पुष्कर से कावड़ यात्रा लाई गई, जिसके बाद हवन कर मंदिर में घट स्थापना की गई। मंदिर में नवरात्रि कार्यक्रम आज 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। बता दें, नवरात्रा स्थापना के साथ ही मंदिर प्रांगण में 9 दिन तक गरबाराज का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
लाखोपुरा के श्यामला माता मंदिर भोजबावड़ी के पास दक्षिण विधायिका अनीता बधेल द्वारा 40 लाख के कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान बधेल ने मंदिर के निकट बना निर्माण कार्य का उद्घाटन किया, साथ ही भोजबावड़ी के पुनर्निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की। माखुपुरा की श्यामला माता मंदिर भोजबावड़ी के पास दक्षिण विधायक अनीता बधेल द्वारा बरामदे निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही भोजबावड़ी के निर्माण कार्य के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इस दौरान अनीता बधेल ने बताया कि बरामदे निर्माण और भोजबावड़ी के पुनर्निर्माण के लिए 40 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही कहा कि बरामदे निर्माण से भक्तों को प्रसादी व अन्य कार्यक्रम आयोजित कराने में सुविधा मिलेगी। सनातन संस्कृति में शक्ति की आराधना। मैंने बहुत छोटी थी तब एक किताब पढ़ी थी, रामकृष्ण परमहंस जी की किताब थी। रामकृष्ण परमहंस जब काली के सामने जाते थे तो वो अपना संपूर्ण भाव काली के सामने समर्पित कर देते थे, और इतना समर्पण कि हर किसी महिला में मां की तस्वीर ही दिखाई देती थी। शारदा माँ उनकी पत्नी थी। जब शारदा माँ से रामकृष्ण जी का विवाह हुआ तो रामकृष्ण जी 50 साल के थे और शारदा माँ 8 साल की। राजगढ़ से श्री मसानिया भैरव धाम के उपासक चंपालाल महाराज द्वारा आज मां काली की पूजा अर्चना कर विधि विधान के साथ घट स्थापना की गई। इस दौरान अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा मां काली व बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना कर विधि विधान से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर घट स्थापना की गई। यह अखंड ज्योति एकम से प्रारंभ होकर नवमी तक चलेगी, जिसका समापन दशमी पर होगा। बता दें, देश प्रदेश के लाखों श्रद्धालु पूरे नवरात्राओं के 10 दिन राजगढ़ धाम पर आकर बाबा भैरव, मां काली व अखंड ज्योति के विशेष दर्शन करते हैं। इस मौके पर धाम के प्रवक्ता अविनाश सैन ने बताया कि 1 अक्टूबर को बाबा भैरव का विशाल छठ मेला पूरे धूमधाम के साथ भरा जाएगा। साथ ही नवरात्रा महोत्सव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नवरात्रा के 9 दिनों तक आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से चिकित्सा टीम व एम्बुलेंस तैनात की गई है। वहीं कानून एवं शांति बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी लगाया गया है। भैरवनाथ के आशीर्वाद से मैं तो आज यही कहना चाहता हूं कि नवरात्रा सभी के लिए कुशल मंगल रहे, सभी की मनोकामना पूरी हो। जो श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ आता है बाबा, उसके घर में दीपक अवश्य जलाए, और बाबा की विशेष कृपा 2016 से रही है और जो नहीं होने के काम भी हो रहे हैं, और जिनके संतान नहीं थी बाबा की कृपा से, यह देख लो कि एक एक दो दो तीन तीन चार चार तक का तो अभी अपने पास रिकॉर्ड आ गया है। ये बाबा की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद। मैं तो आज 36 करोड़ देवी देवता से यही मांगता हूँ कि राजगढ़ धाम जो श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना भैरव धाम से अवश्य पूरी हो। आज श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर नवरात्रा महोत्सव का आगाज गुरुदेव श्री के द्वारा अखंड ज्योत प्रज्वलित कर किया गया। ये अखंड ज्योत के दर्शन के लिए ही लाखों श्रद्धालु इस धाम पर पहुंचते हैं। इसी के अंतर्गत 1 तारीख को शनिवार को बाबा का विशाल छठ का मेला बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। उस दिन विशेष चमत्कारी चिमटी का वितरण होगा, साथ ही मनोकामना पूर्ण स्तंभ की विशेष परिक्रमा होगी। इस मेले को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए गुरुदेव श्री के सानिध्य में हम सभी कार्यकर्ताओं ने जो भी व्यवस्था हो सकती है यात्रियों की सुविधा के लिए वो सारी सुविधाएं जुटाई हैं। भोजन की निशुल्क व्यवस्था है, चाय की निशुल्क व्यवस्था है, पार्किंग, जूते चप्पल, हर चीज की निशुल्क व्यवस्था है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं से ये कहना चाहूंगा कि आपको छठ के मेले पर कुछ लेकर के नहीं आना है। माला, नारियल, अगरबत्ती, यहाँ तक बोतल इत्यादि कुछ नहीं लाना है। यहाँ खाली हाथ आना है, यहाँ लाना है अपने दुख, अपने दर्द, या आप जो नशा करते हैं वो नशा। आज अजमेर में भगवान अग्रसेन की 5146वीं जयंती के अवसर पर शहर में अग्रसेन महाराज की भव्य झांकी निकाली गई। इस दौरान राजेंद्र ट्रेडिंग कंपनी व परिवार द्वारा पुष्प वर्षा कर झांकी का स्वागत किया गया। आज अजमेर में भगवान अग्रसेन की 5146वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान भगवान अग्रसेन महाराज की भव्य झांकी निकाली गई। झांकी शहर के मुख्य मार्गों से गुजरे, जहां समाज के लोगों, जिनमें मुख्य रूप से राजेंद्र ट्रेडिंग कंपनी व परिवार द्वारा
पुष्प वर्षा कर झांकी का स्वागत किया गया। इस मौके पर आयुष गोयल, राजेंद्र गोयल, जितेंद्र रंगवानी, नितिन जैन, हिमांशु गर्ग, महिपाल गोदारा, अंकित शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ इस माचो बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।